कौन सा ऐसा चुनाव है जिसके बारे में आप इतने चिंतित हैं? राहुल गांधी को लेकर आपने कहा कि उनको संसद से ज्यादा, उसका बात छोड़ो, उसकी बात छोड़ो। आप इस बात के लिए प्रसन्न है कि राम मंदिर बन रहा है? बहुत बड़ी बात। मैं तो बताइए, शुरू से इस बात के पक्ष में हूँ। स्वयं मेरा निवास स्थान राघव जी के नाम से है, राघवगढ़ जो है वो राघव जी के नाम से, मैं तो इसके हमेशा पक्षधर रहा हूँ। कब मैंने विरोध किया? लेकिन यह है कि इसका विवाद का विषय नहीं होना चाहिए, सभी लोगों ने मिलकर करना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया सभी ने स्वीकार किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला कि राम सेतु की फाइल पिछले 5 साल से मोदी जी के टेबल पर है। अब ये बात देखो, अभी चर्चा हो रही है राम मंदिर की, राम सेतु की बात आप मत करिए। राम सेतु का जहां तक सवाल है, उसका भी हम लोग जब समय आएगा तो शोध करके आपको बताएंगे। कौन बीजेपी बोल रहे हैं कि आपको उनके श्रेय का सवाल उठाएगा, आप ज्योतिषा चाह रहे का संकल्प की अगर आप बात करें जी, बीजेपी के तमाम नेता सर इस बात को उठा रहे हैं कि आप ज्योतिषा चाह रहे का राम का नाम। मैं नहीं रहा हूं, मैं तो स्वामी स्वरूपानंद जी का शिष्य हूं और स्वामी स्वरूपानंद जी ने जो वक्तव्य दिया उसका समर्थन कर रहा हूं। साथ में नरोत्तम मिश्रा ये भी कह रहे हैं कि छोड़िए, नरोत्तम जी की बातें मैं रिएक्ट नहीं करता। कमलनाथ जी ने वो उस लायक नहीं है। सर कमलनाथ जी ने कहा कि राजीव गांधी भी चाहते थे कि शिलान्यास होना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। शिलान्यास तो हो चुका है, राजीव गांधी जी कर चुके हैं। अभी राम मंदिर जी की बात, राम जी के मंदिर की बात है, बाकी सब चीजें बाद में, नहीं तो आप सब लोग जो मैं कह रहा हूँ वो दिखाओगे नहीं। धन्यवाद। आपको बता दें, एक बार फिर दिग्विजय सिंह ने यह विवादित बयान सामने दिया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर का राष्ट्रीयकरण जो है वो सही नहीं है, पीएम मोदी के हिसाब से मुहूर्त निकाला गया, ये दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है। और साथ में ये कहा है कि 5 अगस्त को शिलान्यास का जो मुहूर्त निकाला गया है वो सही नहीं है, ये मुहूर्त पीएम मोदी के हिसाब से निकाला गया है। देश के गृह मंत्री के साथ जिस तरह से वो कोरोना पॉजिटिव हुए, उस बात को भी उन्होंने यहाँ पर जोड़ा है कि मुहूर्त सही नहीं है, इसलिए कुछ लोगों के साथ यहाँ पर अनहोनी जैसी घटनाएं हो रही हैं। दिग्विजय सिंह हमेशा अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, आज एक बार फिर उन्होंने इसी तरह का ये विवादित बयान सामने दिया है और कहा है कि पीएम मोदी के हिसाब से राम मंदिर भूमि पूजन का मुहूर्त निकाला गया है, ये मुहूर्त जो 5 अगस्त का निकाला गया है वो सही नहीं है, विधि के अनुसार नहीं है, शास्त्रों के अनुसार नहीं है, ये सिर्फ पीएम मोदी के कार्यक्रम के हिसाब से मुहूर्त निकाला गया है।